नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। करावीघाट के आबकारी मंत्री से गुहार, चंद्रकांत को हिप्पलगांव निगम बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करें। कर्नाटक में स्कूली बच्चों को सप्ताह में 6 दिन मिलेंगे अंडे, सिद्धरामैया की घोषणा। कर्नाटक आईटी यूनियन ने राज्य के 14 घंटे कार्य दिवस प्रस्ताव का किया विरोध। विपक्ष को दिया जाए डिप्टी स्पीकर का पद, सूत्रों का दावा। सर्वदलीय बैठक में उठा नेम प्लेट का मुद्दा। सीएम नीतीश पर जितेंद्र राम मांझी ने कसा तंज, आज मेरी पार्टी दौड़ रही। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक डिफेंस फोरम के जिला अध्यक्ष सतीश गोडमपल्ली, जो पिछले 43 वर्षों से जिले में कांग्रेस पार्टी के एक वफादार कार्यकर्ता के रूप में सेवा कर रहे हैं, ने चन्नबसवा पट्टदेवरू जिले में उत्पाद शुल्क के प्रभारी मंत्री आरबी थिम्मापुर को एक अनुरोध पत्र सौंपा है। कर्नाटक रक्षा मंच कवलुपड़े के जिला अध्यक्ष समथिंग ने विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में नामित होने का अनुरोध किया। बीदर जिले में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने और बढ़ाने में कड़ी मेहनत की है। बीदर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से 4थी बार विधायक रहे रहीम खान नगर प्रशासन एवं हज मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यदि हिप्पलगांव को चंद्रकांत को नियुक्त किया जाए तो जिले को राज्य के अनुसूचित जाति एवं वामदल समाज को न्याय मिलेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने घोषणा की है कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को सप्ताह में 6 दिन अंडे मिलेंगे। वे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ साझेदारी में सरकारी और सहायता प्राप्त प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को सप्ताह में 6 दिन मुफ्त पूरक पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के कार्यक्रम के उद्घाटन पर बोल रहे थे। कक्षा 1 से 10 तक के लगभग 55 लाख छात्रों के लिए मध्यान्ह भोजन में अंडे शामिल किए जाएंगे। सिद्धरामैया ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण भोजन आवश्यक है। गरीबों के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा के अवसर पैदा करना हमारी आकांक्षा है। मैंने बच्चों को बिना नाश्ते के स्कूल आते और दोपहर तक बिना दोपहर के भोजन के रहते देखा है, इसलिए हमने सप्ताह में 2 दिन भोजन और अंडे उपलब्ध कराने का फैसला किया है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने इस नेक काम में सरकार के साथ हाथ मिलाया है, ताकि सप्ताह में 4 दिन बच्चों को अंडे और पूरक पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने स्कूली बच्चों से वैज्ञानिक और बौद्धिक रूप से विकसित होने का आह्वान किया और कहा कि तभी वे सामाजिक रूप से जिम्मेदार बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा के अवसर पैदा करना हमारी आकांक्षा है, इस कारण से हम उन्हें यूनिफॉर्म, जूते और मोजे उपलब्ध करा रहे हैं और अधिक आवासीय विद्यालय खोल रहे हैं। कन्नड़ लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण संबंधी विधेयक पर उद्योगों और व्यवसायों से आलोचना झेलने के बाद राज्य सरकार एक बार फिर आलोचनाओं का सामना कर रही है। अब कर्नाटक राज्य आईटीईएस कर्मचारी संघ के आईटीयू ने भी आलोचना की है। संघ का दावा है कि सरकार आईटी और आईटीएस क्षेत्र के लिए कार्य के घंटे प्रतिदिन 10 घंटे से बढ़ाकर 14 घंटे घेरने के लिए संबंधित अधिनियमों में संशोधन लाने की योजना बना रही है। केआईटीयू ने कहा है कि नया विधेयक कर्नाटक दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 2024, जिस पर विचार विमर्श किया जा रहा है, में काम के घंटे बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है और इस तरह के संशोधनों पर कड़ा प्रतिरोध व्यक्त किया गया। केआईटीयू ने कहा कि बिल में संशोधन का प्रस्ताव श्रम विभाग द्वारा उद्योग के विभिन्न हितधारकों के साथ की गई बैठक में प्रस्तुत किया गया था। यह बिल किसी भी कर्मचारी के निजी जीवन के मूल अधिकार से वंचित करता है। वर्तमान में अधिनियम में ओवरटाइम सहित प्रतिदिन अधिकतम 10 घंटे काम करने की अनुमति है, जिसे हटा दिया जाएगा और इससे कंपनियों को अनिश्चित काल के लिए काम के घंटे बढ़ाने में सुविधा होगी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482127। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद 24 घंटे हालात पर गहरी नजर खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक सामाजिक राजनीतिक लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। संसद में विपक्ष दलों द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने बैठक में कहा कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पोस्ट दिया जाए। वहीं कांग्रेस ने नीट पेपर लीक का भी मुद्दा उठाया। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कांवड़ रूट पर पहचान दिखाने का मुद्दा उठाया। वहीं वाईएसआर कांग्रेस ने टीडीपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके नेताओं को राज्य में टारगेट किया जा रहा है, इस कारण उन्हें सुरक्षा मुहैया कराया जाए। वहीं संसद में सर्वदलीय बैठक पर राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि परंपरागत रूप से सर्वदलीय बैठक इसीलिए होती है ताकि हम सदन की कार्यवाही से जुड़े मुद्दे उठा सके। हम महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, चीन से जुड़े सुरक्षा मुद्दे, संसद में मूर्तियां हटाने, किसान, मजदूर, मणिपुर, रेल दुर्घटना जैसे मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। हम नीट के मुद्दे पर भी चर्चा करने का पूरा प्रयास करेंगे। बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वही कांवड़ यात्रा पर फिलहाल बवाल मचा हुआ है। दरअसल 22 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है। 22 जुलाई से शिव भक्त कांवड़ लेकर निकलेंगे और भगवान शिव जलाभिषेक करेंगे। इसी बीच यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा के मार्ग पर जो दुकान, होटल या खाने पीने के ठेले हैं, उन्हें नेम प्लेट लगाकर साफ साफ जानकारी देनी होगी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी की ओर से पटना में आयोजित अभिनंदन समारोह में जीतन राम मांझी ने बातों बातों में कहा कि वे नीतीश कुमार के महागठबंधन में जब शामिल थे तो नीतीश कुमार ने उन्हें बुलाकर कहा था कि आप अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय कर दीजिए, लेकिन मैंने अपनी पार्टी का विलय नहीं किया। उसके बाद ही मैं नीतीश कुमार की पार्टी के गठबंधन से बाहर हो गया और एनडीए में शामिल हो गया। मैंने जब अपनी पार्टी बनाई थी तो नीतीश कुमार ने चाहे जिस भावना से कहा था कि जीतन मांझी पार्टी कैसे चलाएगा, उसके पास पैसा है जो पार्टी चलाएगा, लेकिन आज देखिए मेरी पार्टी दौड़ रही है। जीतन राम मांझी अपने बेटे के बारे में कहा, देखिए आज बेटा संतोष सुमन का 2024 में एमएलसी का भी टर्म खत्म हो रहा था, लग रहा था कि पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी बनी है कि देखिए आने वाला साल 2030 तक 6 साल के लिए विधान पार्षद बना दिया गया है। पहले संतोष सिर्फ एक विभाग के मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब 3 विभाग का मालिक है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ मुंबई में हैं। अखिलेश यादव महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं। अगले कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव टिकट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी एमवीए पर दबाव बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सपा की क्या भूमिका रहेगी, इसको लेकर महाराष्ट्र के सपा नेताओं में सुबगहाट तेज है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर हमारे अध्यक्ष अखिलेश यादव चर्चा करेंगे, यहां से कुछ नहीं होगा। इस समय वह महाराष्ट्र में सीटों को संख्या पर कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482121297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। अज्ञात कारणों के चलते युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। युवक ने ससुराल से आने के बाद फांसी लगाकर किया अपने जीवन लीला को समाप्त। युवक की मौत से परिजनों में मचा हुआ है कोहराम, रो रो कर हुआ बुरा हाल। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के रहुनिया धर्मशाला की है। झांसी, शनिवार को सदर विधायक रवि शर्मा एवं महापौर बिहारी लाल आर्य ने किया सर्कस का शुभारंभ। क्राफ्ट मेला ग्राउंड झांसी में मुंबई सर्कस का फीता काट कर शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सदर विधायक पंडित रवि शर्मा, झांसी नगर निगम महापौर बिहारी लाल आर्य, सम्मानित पार्षदगण, पार्टी पदाधिकारी, सर्कस मैनेजर जयप्रकाश और सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। बुंदेलखंड के झांसी में मुंबई का मशहूर सर्कस लगने से शहरवासियों में खुशी की लहर है। झांसी से मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। ऐसा कोई विशेष नहीं है, हम लोग 45 साल के बाद आए, मतलब हम लोग का प्लानिंग अदर, मतलब हम लोग यूपी में लखनऊ, गोरखपुर, ये वाराणसी सब जगह हम लोग पहले था, मगर झांसी में ऐसे आने का वक्त हुआ नहीं, हमारा प्लानिंग हुआ नहीं था, इसलिए अभी प्लान आ गया। इसलिए क्या था सर, आज बॉम्बे सर्कस सबसे 105 साल पुराना सर्कस है, इंडिया में सबसे पुराना सर्कस है। हम लोग का बाद ही बाकी सब सर्कस शुरू किया था। ये इसमें क्या मालूम है, हम लोग विदेश कलाकार इथियोपियन कलाकार है, इथियोपियन कलाकार सर्कस वर्कस में है, मगर इतना डेंजरस मिलो आइटम है कि हम लोग देखे देखते देखते आप लोग बोला अरे ये क्या करता है, ऐसी आइटम से। और ऐसी क्या विशेषता है जिसको दर्शक अगर आके देखते हैं तो लगता है अरे यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये हमने नहीं देखा। सर्कस बोलने से ये सर्कस का आइटम बाकी कुछ सर्कस में आप देख नहीं पाए। जैसे पुराने समय में देखा जाता था कि बहुत सारे जानवर होते थे, हाथी, शेर, चीते, ऐसा कुछ है? हाथी शेर वंश बंदों के 15 साल हो गए, उसको आज के टोटली गवर्नमेंट बैन किया हुआ है हाथी। अभी हम लोग को बस ओनली डॉग्स का शो है, बाकी पूरे विदेश का कलाकार चाइना, साउथ अफ्रीका और ये रशिया का कलाकार। सर दर्शक देख रहे हैं, खास तौर से जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए कोई मनोरंजन के लिए है कोई चीज़? मानो बच्चों को मनोरंजन जोकर लोग बहुत है, जोकर लोग का कॉमेडी है, उसके सिवा क्या डॉग्स का शो, डॉग एक मैथमेटिक्स कर रहे हैं, बोर्ड पर नंबर लिखेगा वो नंबर वो डॉग देख के उठा के लिखेगा, इसे बहुत अच्छा बच्चों लोग के लिए मनोरंजन। आजकल बच्चा लोग जब तक तब तक सरकार चलता रहे वही हमारे। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने कुमार मंगलम बिश्नोई और दीपेंद्र कुमार, जो कि भरतपुर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल का छात्र है, ये दोनों
सॉल्वर गैंग का हिस्सा थे। इसके अलावा तीसरा शशि कुमार पासवान है, ये भी नीट पेपर लीक मामले का सरगना है। शशि कुमार पासवान पहले गिरफ्तार हुए पंकज उर्फ आदित्य का साथी है। इसने हजारीबाग से एक बक्से से पेपर चुराया था, इसने उसकी मदद भी की थी। ये सभी हजारीबाग में पेपर सॉल्व करने के लिए एग्जाम के दिन 5 मई को सुबह मौजूद थे। हुती विद्रोहियों द्वारा तेल अवीव शहर में किए गए घातक ड्रोन हमले के एक दिन बाद इसराइल ने जवाबी कार्यवाही करते हुए पश्चिमी यमन में विद्रोही समूहों के कई ठिकानों पर हमला किया। इजरायली सेना ने यह जानकारी दी है। इजरायली हमास के बीच अक्टूबर से युद्ध शुरू होने के बाद यह इसराइल द्वारा यमन की धरती पर किया गया पहला हमला प्रतीत होता है। इजरायली सेना ने बताया कि हूतियों के गढ़ माने जाने वाले पश्चिमी बंदरगाह शहर हुदैदाह में उसके कई ठिकानों पर हमला किया गया। उसने कहा कि हाल के महीनों में इसराइल पर किए गए सैकड़ों हमलों के जवाब में यह कार्यवाही की गई है। हूती विद्रोही समूह के प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुल सलाम ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, यमन पर इजरायली हमला किया गया है जिसमें ईंधन भंडारण सुविधाओं और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाया गया है। अब्दुल सलाम ने कहा कि इसराइल इन हमलों से लोगों की पीड़ा को और बढ़ाना चाहता था। उसने कहा कि साथ ही यमन पर गाजा का समर्थन बंद करने का दबाव बनाने के लिए यह हमला किया गया। अब्दुल सलाम ने कहा कि ये हमले यमन के लोगों और उसके सशस्त्र बलों को गाजा का समर्थन करने के लिए और अधिक मजबूत बनाएंगे। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। रावीघाट के आबकारी मंत्री से गुहार, चंद्रकांत को हिपलगांव निगम बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करें। कर्नाटक में स्कूली बच्चों को सप्ताह में 6 दिन मिलेंगे अंडे, सिद्धरामैया की घोषणा। कर्नाटक आईटी यूनियन ने राज्य के 14 घंटे कार्य दिवस प्रस्ताव का किया विरोध। विपक्ष को दिया जाए डिप्टी स्पीकर का पद, सूत्रों का दावा, सर्वदलीय बैठक में उठा नेम प्लेट का मुद्दा। सीएम नीतीश पर जितिन राम मांझी ने कसा तंज, आज मेरी पार्टी दौड़ रही। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।